यूपी के अयोध्या के स्टेडियम में जिला प्रशासन के साथ हजारों लोगों ने पंचम योग दिवस पर योगा किया। इस दौरान मंच पर अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह व विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी योग किया। सुबह 6 बजे से योगा शुरू हुआ और 8 बजे तक योगा किया गया। योग के बाद SSP आशीष तिवारी ने बताया कि पुलिस कर्मियों को तनाव कम करने के लिए सप्ताह में 3 परेड होती है, उसी में मंगलवार की परेड को योगा परेड के नाम से जाना जाएगा। उस दिन पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त करने के लिए योगा अभ्यास कराया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि जिला प्रशासन ने सरकार के सहयोग से योगा सेंटर शुरू करने जा रही है, जिसमें लोग स्वस्थ रहने के लिए निःशुल्क योगा अभ्यास कर सकते हैं। अयोध्या जिले में कई जगह पर योग दिवस मनाया गया। पहली क्रिया है शिथिलीकरण, चिपका हुआ ग्रीवा संचालन, धीरे धीरे छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे। कोशिश करिए जैसे सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रशासनिक है, चाहे वो कोई भी जनसामान्य है, कोई अधिकारी है, हम सभी के लिए योग जो है वो ईश्वर का एक बहुत अनुपम वरदान है और निश्चित रूप से स्ट्रेस लेवल को कम करने में, निरोग रखने में, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में बहुत ही सहायक है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि हर किसी को योग करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार और प्रशासन की बात है तो मैं निश्चित रूप से ये बताना भी चाहूँगा कि अब जगह जगह हमारे योगा वेलनेस सेंटर जो है वो भी आयुष विभाग के तहत सेटअप हो रहे हैं और जिसके तहत प्रत्येक सुबह जो है वो इसका सेशन चलता है, जिसमें जो भी उस क्लास को अटेंड करना चाहे, सीखना चाहे, तो वो भी वहाँ पर अटेंड करके और योग सीख सकते हैं। तो ये सरकार की ओर से इस व्यवस्था हो रही है। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज मैं जनपदवासियों का आह्वान करूंगा कि योग को अपनाइए और निरोग रहिए। पुलिस विभाग के बारे में ये बात सही है कि जो है स्ट्रेस का विभाग है और इसमें योग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आज भी योग किया गया है और जो हमारी 3 परेड होती हैं उसमें मंगलवार की परेड जो है वो अब से हम योगा परेड उसमें करेंगे, सो दैट कि जो पुलिस वाले हैं वो स्ट्रेसफुल जीवन से मुक्त रह सकें। और योग में जैसे कहा गया अष्टांग योग में कि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार ये सारे अंग उसके होते हैं और इससे ना केवल जो है शारीरिक ठीक होता है, मानसिक भी ठीक होता है, आध्यात्मिक भी ठीक होता है। तो अभी जो हम लोगों ने एक IT की भी नई मुहिम की है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें भी योग के कई वीडियो शेयर किए गए हैं, सो देट की जो पुलिसकर्मी है वो अपने थानों के अंदर में यदि कोई नहीं है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है।